उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा मजदूरों को योजनाओं का लाभ दिया जाता है। वहीं श्रम विभाग कार्यालय के द्वारा बाल श्रम के लिए भी समय समय पर अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में अप्रैल माह से लेकर दिसंबर तक श्रम विभाग के द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत पूरे जनपद से 60 बाल मजदूर पकड़े गए। बाल मजदूरों के पकड़े जाने के बाद बाल मजदूरी करा रहे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसी क्रम में जनपद में 44 दुकानदारों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब उन सभी 44 दुकानदारों को कोर्ट की शरण लेकर निस्तारण कराना होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त एमएल पाल ने बताया कि बाल श्रम कानून अधिनियम के अंतर्गत जनपद में अभियान चलाया गया था, जिसमें 60 से अधिक बाल मजदूर पकड़े गए। जिस संस्थान में बच्चे मजदूरी का कार्य कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। छोड़कर चले गए थे देखा आपने? भाई काम करता था, बाजार बाजार गए तो वो लोग चले गए, बच्चा रह गया। कोई बात नहीं, जो पहले से लगा लो कोई बात नहीं, ठीक है फाइल लगा देते हैं। हम दिल्ली जाती है, वहीं जा रहे हैं भाई। और क्या नौकरी पूरी करने जाना था? अरे कर लो भैया, नौकरी पूरी। सबसे ज्यादा काम आए बड़े बाबू। देखिए, बाल एवं किशोर परिषद अधिनियम 1986 यथा संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत बाल श्रमिकों से काम कराना समाज के लिए अभिशाप है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसके तहत कहीं कहीं मजबूरी में बच्चे काम करते हैं, लेकिन मजबूरी से ज़्यादा जो सेवायोजक होते हैं वो बिना किसी प्रतिरोध के, छोटे बच्चे जो 18 साल के नीचे या 14 साल के नीचे के बच्चे हैं, बिना किसी प्रतिरोध के 12-12 14-14 घंटे काम करते हैं। तो इस कुप्रथा को समाप्त करने की सभी की जिम्मेदारी है, समाज के सब लोग मिल करके इस कुप्रथा को समाप्त करें। कानून के माध्यम से उतनी कार्रवाई नहीं हो सकती, कानून तो केवल एक प्रतीकात्मक है, हर जगह कानून नहीं पहुँच सकता है। बहुत सारे हमने छापे मारे हैं, बहुत सारे बच्चों को वहाँ से अमुक्त भी कराया, बहुत सारे लोगों को दंडित भी करा रहे हैं, लेकिन इससे समस्त मथुरा जनपद में बाल श्रम से उन्मूलित हो गया ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन लगातार हमारी कोशिश जारी रहेगी और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा यहाँ के नियोजकों से भी और जनता से भी कि बाल श्रमिकों से काम न कराएं। कितने लोगों की जांच कार्रवाई की गई है अभी तक? अप्रैल से लेकर इस वित्तीय वर्ष में हमने कुल 44 सेवायोजकों के खिलाफ चाइल्ड लेबर की कार्रवाई की, जिसमें से 62 बच्चे अवमुक्त कराए हैं।